नहीं नहीं अब कहाँ है तो सबको पता है कहाँ है, लेकिन आज उनको याद दिलाना चाहिए लोगों को कि प्याज का माला पहन लेते थे, एलपीजी गैस उठा करके जो है प्रदर्शन किया करते थे, और वो भी तब जब कच्चे तेलों की दाम जो है प्रति बैरल बढ़ती थी इंटरनेशनल मार्केट में, तब जो है मजबूरी होती थी बढ़ाना। लेकिन आज कौन सी मजबूरी है, जब कच्ची तेल की कीमतें जब सस्ती हो रही है पूरे दुनिया भर में और लगातार बेतहाशा। हमने तो कहा कि लगभग बिहार के से 27 जिले हैं, अब तो शायद आंकड़ा बढ़ गया होगा जहाँ 100 से भी पूरे लगभग जिलों में जो है 100 से पार चला गया होगा, सेंचुरी पार हो गया। अब तो इंतजार कीजिए डबल सेंचुरी कब होता। अब यही ना है, सरकार जो है वो गरीब की सरकार नहीं है, यह सरकार जो है केवल चंद लोगों की सरकार है, केवल पूंजीपतियों की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। ये अच्छे दिन केवल चंद लोगों के लिए लाने का काम कर रहे थे, देश की जनता के लिए। चलिए बहुत हर साल समस्या है, अब तो डबल इंजन की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोऑर्डिनेशन में, लेकिन कहाँ चूक हो रही है। ये तो पूरी तरीके से दोनों सरकार जो है फेल हो चुकी है, बिहार बिहार के लोगों को इनकी चिंता नहीं है। ये इंटरनेशनल इश्यूज है, नेपाल से जुड़ा हुआ मामला है, और भारत ने नेपाल से रिश्ते जो है वो खराब कर लिए, ये सबको पता है। तो इसमें हमको लगता है कि सरकार को थोड़ा गंभीर होकर के परमानेंट सोल्यूशन के बारे में भी सोचना चाहिए। यह हर साल का ये समस्या हम लोगों का रहता है, इसमें चाहे राज्य सरकार के लोग हों चाहे भारत सरकार के लोग हों, अब पता नहीं राज्य सरकार के लोगों ने भारत सरकार के लोगों से इस विषय में बात की है कि नहीं की है, कि क्या वो करने जा रहे हैं। कई बार जो है फरक्का बांध का भी जो है लोगों ने वो उठाने का काम किया है मुद्दे को, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन जो है इसमें आया नहीं। कहाँ देखना, बाढ़ तो है ना, त्राहिमाम की स्थिति है ना, लोग मर रहे हैं ना, मवेशी मर रहे हैं ना, इंतजाम किनको करना है, सरकार के लोगों को करना है ना। नहीं संभाल रहा तो सीधे सीधे बोल लेना कि नीतीश बाबू जी से नहीं संभाल रहा, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, हम लोग कर लेते हैं। बैठे क्यों है वहां, हमने तो इतने इश्यू उठाए, हम बोल रहे महंगाई काम करो तो कर रहे हैं क्या, हम बोल रहे रोजगार दो तो रोजगार दे रहे हैं क्या, हम बोल रहे खाद किसान की समस्या को हल करो तो कर रहे हैं क्या, किनसे आप बात कर रहे हैं, करने वाला कौन है, एग्जीक्यूटिव पावर्स किसके पास है, विपक्ष के पास होता है पावर कि सत्ता में बैठे हुए सरकार के पास होता है पावर, अधिकारी मेरा बात सुनेंगे कि मुख्यमंत्री का बात सुनेंगे, ऐसा ऑर्डर निकाल दे जाइए हम कल से समस्या का हल करते हैं। नहीं मदद क्या, हम लोग देखे नहीं है क्या मुख्यमंत्री नाव पे घूमे हैं क्या, पिछले बार हम लोग तो पूरा मधुबनी के इलाके में हम लोग जाकर के पूरा घूम करके आए हैं नाव पर, हवाई सर्वेक्षण खाली कर रहे हैं, थोड़ा पानी जाके देखे कि कितना पानी आया हुआ है, कहाँ कहाँ पानी आया हुआ है। पिछले बार जब गंडक का पानी जब आया था आपका गोपालगंज में, जिसमें 70 घाट का डैम टूटा, ये डैम कई डैम टूटे, कई पुल पुलिया टूटे, मुख्यमंत्री गए थे क्या, कहाँ गए थे मुख्यमंत्री जरा आपको बताइए, तो कहीं पानी में उतरे हैं तो देखना किसको चाहिए था। और जो बयानवीर सब हैं वो लोग अपने घर में बैठ के बयान दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, या वो लोग हो कर के आ गए,
जरा उनसे भी तो सवाल पूछिए। ये सब बकवास बातें करता कुछ है क्या इनके पास कहने के लिए? और ये तो अजीब परंपरा बनती जा रही है कि भाई सत्ता से सवाल मत पूछो, विपक्ष से पूछो कि विपक्ष क्या कर रहा। अरे विपक्ष तो आवाज उठाएगा लोगों के, आपके सामने समस्या रखेगा कि ये लोगों की परेशानी है, इसका निदान कीजिए। परेशानी तो ऑलरेडी सरकार के सामने है कि बाढ़ है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों का MSP नहीं है, ये है कि नहीं है? अब पटना में मंत्री जी लोग का डिप्टी CM का आवाज डूब जाता है तो चंद बारिश में, तो उसका क्या हल निकालने की? हमको जाके देखना चाहिए डिप्टी CM का घर, अब मंत्री जी लोग का घर, कि उनका घर डूब रहा है, नेता प्रतिपक्ष थोड़ा घूम के आ जाए उनका घर, वो हम पानी जाके निकाले, कौन निकालेगा, कौन काम करेगा? ये तो बकवास उन लोगों को कर दीजिए, कोई मतलब रहेगा?